जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। अग्नि, ये अग्नि ही जो ऊर्जा बनकर हमें जीवित रखती है। यदि ये ऊर्जा क्रोध को अग्नि बनाकर भड़काए तो क्या होता है? एक तिनके में लगकर संपूर्ण वन को भस्म कर देती है। उसी प्रकार मनुष्य के क्रोध की अग्नि भी दूसरों को तो जलाती ही है, किंतु उससे पूर्व स्वयं को उसे भस्म कर देती है। तो क्या किया जाए, कैसे इसे नियंत्रण में किया जाए? उत्तर है, इसमें जल मिलाकर जल की ही भांति बहने दीजिए। इसे ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी अग्नि को तेज बनाकर आप तक पहुंचता है, यही यंत्र है सूर्य की अग्नि और हमारे क्रोध की अग्नि में। सूर्य की अग्नि बहकर छन कर हम तक आती है और इसीलिए वह तेज कहलाती है। दूसरी ओर हमारा क्रोध ही अग्नि की तो कोई सीमा ही नहीं है, तो अपने भीतर की ऊर्जा को क्रोध बनाकर जलाना चाहते हैं या ऊर्जा बनाकर बहाना चाहते हैं, निर्णय आपका ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बच कर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में ही भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार एक बच्चिया अपनी माँ को झुंड में भी ढूंढ लेती है, उसी प्रकार से कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में ढूंढ ही लेता है। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है, अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जीवन में बढ़ने के लिए, अपनी अलग पहचान बनाने के लिए, यदि आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे पीछे ना हटें। कहने का सीधा सा मतलब है, जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में ना सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। हम हमेशा यही सुनते हैं कि दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही काम आती है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए, जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। जीवन में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और अपनी हार से सीख लेकर आगे बढ़ता है। हार कर निराश होना
किसी भी समस्या का हल नहीं है, इसीलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे।